5 हेल्दी ब्रेकफास्ट आइडियाज इफ यू आर डायबिटिक। ब्रेकफास्ट कहते हैं कि दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट मील होता है, एक ऐसा मील जिसमें कार्ब्स भी होने चाहिए, लीन प्रोटीन भी होना चाहिए और हेल्दी फैट्स भी होने चाहिए। यानी कि ये जो डाइट है, जो ब्रेकफास्ट है, ये बिल्कुल संतुलित होना चाहिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट इकलौती ऐसी मील है जो पूरे दिन हमें एनर्जी देती है। और हमें पूरे दिन एनर्जी तो चाहिए ही होती है काम करने के लिए, है ना, वरना पूरे दिन फटीग होता रहेगा, आलस आता रहेगा। इसलिए ब्रेकफास्ट का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है और ब्रेकफास्ट को कभी भी गलती से भी स्किप नहीं करना चाहिए, वरना वेट लॉस की जगह वेट ज़्यादा बढ़ जाएगा और डायबिटीज जैसी बीमारियां जल्दी से स्पाइक कर जाती हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे ब्रेकफास्ट आइडियाज़ हैं जो अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहला आइडिया है ओवरनाइट ओट मिल का। अब ओट मिल आपको अच्छे से पता है कि फाइबर से भरपूर होते हैं, प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होते हैं और कितने ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। और सुबह सुबह अगर आपको ऑफिस जाने की जल्दी होती है, टाइम नहीं होता ब्रेकफास्ट का, तो आप रात भर ओट मिल को भिगो के रख सकते हैं दूध में। और सबसे अच्छी बात यह है कि नेचुरल स्वीटनर की जगह आप उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा जो फ्रूट्स आपको सूट करते हैं, जो डॉक्टर ने भी आपको सलाह दी होगी, उन फ्रूट्स को आप उसमें ऐड कर सकते हैं। शुगर की ज़रूरत नहीं है और चूंकि वो रात भर दूध में सोक्ड रहते हैं, इसीलिए वो अपने आप थोड़े से मीठे हो जाते हैं और ये आपके लिए बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट होगा। नंबर टू, नट बटर एंड फ्रूट्स। जो नट बटर होता है, जैसे आमंड बटर हो गया, या फिर कैशू बटर हो गया, या फिर पीनट बटर हो गया, जो अनस्वीटन्ड होते हैं, मतलब मीठे वाले आपको बटर्स नहीं लेने हैं, नट बटर्स आपको लेने हैं जो कि मीठे नहीं होते, उसमें साफ साफ लिखा होता है। इसलिए ख़रीदारी करने के पहले एक बार इन्ग्रीडियंट्स को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आप उनको होल ग्रेन ब्रेड के साथ या फिर फ्रूट्स बहुत सारे डाल के, फ्लैक्सीड डाल के उसको ब्रेकफास्ट की तरह खा सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगा और ये आपको इंस्टेंट एनर्जी भी देते हैं। नंबर थ्री, एक सैंडविच या फिर एक वेजिटेबल ऑमलेट। अब आपको सैंडविच अच्छा लगता है, एक सैंडविच या फिर आपको ऑमलेट बहुत पसंद है, आप बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल के ऑमलेट भी बना सकते हैं और बहुत सारे वेजिटेबल्स के साथ एक सैंडविच भी खा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान ज़रूर रखना है कि जो ब्रेड आप खा रहे हैं वो ग्लूटेन फ्री भी हो, यानी कि शुगर उसमें बिल्कुल ना हो। अगर आप मल्टीग्रेन ब्रेड खा रहे हैं तो भी आपको ये ध्यान ज़रूर रखना होगा, जो ब्लड शुगर से परेशान लोग हैं, क्या वो ब्रेड आपको सूट करता है। नंबर फोर, रागी उत्तपम। अगर आपको थोड़ा इंडियन ब्रेकफास्ट पसंद है तो आपके लिए ऑप्शन बहुत सही रहेगा, रागी उत्तपम। इसके बैटर में आप बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, अपने मनपसंद वेजिटेबल्स डालिए, अनियन डालिए, टोमेटो डालिए, कैप्सिकम डालिए, और ये सब आप डाल के बैटर तैयार करके, जैसे उत्तपम आप नॉर्मल बनाते हैं घर में, बिल्कुल वैसे ही उत्तपम बनाइए और इसको आप हरी चटनी के साथ या फिर कर्ड के साथ खा सकते हैं। ये आपके लिए हेल्दी भी रहेगा और हाँ, अब इसमें फाइबर्स भी बहुत होते हैं, प्रोटीनेशियस भी बहुत होता है, तो हेल्थ को भी अच्छा करेगा और जो लोग डायबिटिक हैं वो भी बहुत आराम से इसे खा सकते हैं। नंबर फाइव, बेसन पैनकेक्स, या फिर हम इसे कह सकते हैं बेसन का चीला। इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी डिलीशियस एंड साथ में बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है। फिर आप डायबिटिक हों, आपको अपना ब्रेकफास्ट थोड़ा अपग्रेड करना है, इसमें भी आप बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। और हाँ, ये ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि अगर आप जितने कम से कम ऑयल में या फिर अगर आप घी में इसको बना रहे हैं उसका इस्तेमाल करें, तो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए, आपके ब्लड शुगर के लिए ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट हो सकते हैं। तो अब चॉइस आपकी है, आपको क्या पसंद है। और हाँ, अगर आप ब्रेकफास्ट में वैरायटी लाना चाहते हैं तो इससे बढ़िया तो कोई बात हो ही नहीं सकती। तो अगर आप डायबिटिक भी हैं और इन ब्रेकफास्ट आइडियाज़ को अपनाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हेल्थ से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए पढ़ते रहिए www.news9live.com।